नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक मैं एक जेंट्स कैप लेके आई। जेंट्स लेडीज कोई भी डाल सकते हैं। ये देखो, मैंने 100 फंदे डाले हैं। 100 फंदे डाल के मैंने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बुनिया है, जहाँ ब्लैक नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको जहाँ बना कर दिखाती हूँ। ऐसे एक सीधा एक उल्टा, धागा पीछे एक सीधा, धागा आगे एक उल्टा, धागा पीछे एक सीधा, धागा आगे एक उल्टा, धागा पीछे एक सीधा, धागा आगे एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ऐसा मैंने सीधा उल्टे का डिज़ाइन ये बनाया है, ये वाला। उसके आगे मैंने 2 उंगला बॉर्डर बनाकर फिर आगे मैंने सारा सीधी सीधी सिलाइयाँ चढ़ाई हैं, पूरी सीधी सीधी। इसके अंदर मैं एक कपड़ा लगाऊंगी गरम, जो बाजार में आ रही है ना कैप, ऐसी बना रही हूँ। पहले आपको इतना दिखा दूँ, फिर आगे भी दिखाऊंगी। फिर सीधी सीधी सिलाइयाँ चढ़ा के मैंने सोलह इंच मैंने लंबा बना लिया। अब हम जहाँ थोड़ी सी कटिंग करेंगे इसकी, ये देखो कैसे। पहले फंदा हमने उतारा, फिर 2 का 1 किया, दो का एक करके 100 फंदे के मैंने 4 हिस्से कर लिए। 25 25 फंदे हमारे आ गए। सर्दी बहुत है, हाथ नहीं चल रहे। यहाँ 2 2 का 1 किया, ये हमारे 25 फंदे हो गए। 1 2 3 4 एक फंदा हमने कटा दिया। यहाँ हम 3 का 1 करेंगे। ये मैंने निशान लगाए थे, एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे, जहाँ हम 3 का 1 कर देंगे। फिर फंदे हम बुन लेंगे। सिंपल है बहुत, और बिल्कुल रेडीमेड कैप की तरह बनेगी ये वाली। ये देखो यहाँ भी आ गया। एक फंदा इधर से लिया, एक फंदा इधर से लिया, यहाँ भी 3 का 1 कर देंगे। एक दो तीन
चार और मैंने पांच हिस्से किए इसके। एक दो तीन चार, चार ही है, सॉरी पांच नहीं चार ही है। पहले यहाँ, फिर यहाँ, दूसरा ये तीसरा और ये चौथा, फंदे हमने पांच जगह कम करने हैं। सीधी सीधी सिलाई है, कोई डिजाइन नहीं मैंने डाला, बिल्कुल सिंपल। ये देखो यहाँ भी आ गया, तीन जगह हमने एक, यहाँ पहले दो का एक किया, यहाँ फिर तीन का, फिर तीन का, फिर तीन का, फिर यहाँ दो का एक करेंगे। ये देखो लास्ट में हमने फिर दो का एक करना, उल्टी सिलाई पूरी सीधी बना लो, पूरी सीधी। ये देखो फिर दो का एक, दो का एक, सिंपल ही बनाना, कोई कुछ चेन चून नहीं बनाई मैंने, बिल्कुल सिंपल ढंग से। ब्लैक ऊन है, कुछ नजर भी नहीं आएगा, और सीधी सीधी सिलाइयां हैं, कोई डिजाइन भी नजर नहीं आएगा। ऊन मैंने तीन प्लाई की लगाई है और नौ नंबर की सिलाइयों में बुना मैंने। जहाँ फिर एक हमारा तीन फंदे बन जाएंगे, तीन का एक करना हमने। आपके पास ऐसे निशान नहीं है तो आप कोई भी कुछ भी बस्कुए भी लगा सकते हो, सेफ्टी पिन वगैरह, इससे जरा क्या ना बनाने में, कटिंग करने में बहुत आसानी रहती है, निशान लगे होने तो भूल जाता है बंदा कई बार। ऐसे आप पूरा थोड़ा सा बना लो, उल्टी सिलाई तो पूरी सीधी आएगी, सीधी सिलाई में हमने फंदे कटाने हैं। ऐसे आप थोड़ा सा बनाकर, उल्टी सिलाई पूरी सीधी, मैं आपको दिखाती हूँ फिर आगे थोड़ा सा बनाकर। ये देखो मैंने इन्हें कटिंग करती पूरी, इतने फंदे हमारे, 40 फंदे मेरे बचाए हैं, बाकी सारे फंदे मैंने कटाते हैं। उन क्या करना देखो, अब हम सुई में फंदे डाल लेंगे ऐसे। धागा डाल लिया सुई में मैंने, ऊपर मैंने 40 फंदे मेरे बचे हैं, बाकी सारे कटाते मैं।
इसे बनाने में 100 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा ऊन लगी, वैसे 100 ग्राम से पूरी आ जाएगी। से पूरा टाइट कर देंगे। बीच बीच में से ऐसे सिलाई कर देंगे। यहाँ भी सिलाई कर लेंगे। अब आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है मैंने। ये देखो पूरी बन के मैंने सी के तैयार कर ली है। कितने इंच लंबी बनाई मैंने, 16 इंच लंबी मैंने बनाई है। आप चाहे तो छोटी बना सकते हो, लंबी बना सकते हो। देखो पूरी स्टिचिंग होगी। अब हमने ऐसा कपड़ा लेना है, ये देखो जैसा कपड़ा मिलता है बाजार से मिल जाता है आसानी से। इसे मैंने उसके हिसाब से मैंने जितना हमें ये चाहिए उतना ही हमने ये ले लिया। ये देखो, और यहाँ मैंने एक सिलाई लगा ली, मैंने कलर दूसरे की लगाई आपको नजर आने के लिए। ये देखो जब मैंने चौड़ा तो उतना ही लिया है जितना हमारा था, लंबाई इसकी मैंने थोड़ी सी कम ली है। लंबाई मैंने 14 इंच ली है। अब इसे कैसे लगाना ये आपको मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल रेडीमेड ऐसे ही आ रही है। ये देखो जहाँ से मैंने सिलाई की है, और जेपी मैंने यहाँ से सिलाई की है। इसको यहाँ से पकड़ के उल्टा ये रखना है, ये उल्टा रखना और ये भी उल्टा ही है। जो मैंने बॉर्डर बनाया था बॉर्डर के ऊपर ऊपर मैंने इसको ऐसे लगाना है। अब बॉर्डर है हमारा ब्लैक करके नजर कम आ रहा है, इसके ऊपर ऊपर ऐसे। क्योंकि ये अंदर ऐसे हम कर देंगे, फिर आपको दिखाते हैं ऐसे पूरा करके राउंड में, पूरा राउंड में लगा लग जाएगी। फिर उसे ऐसे देखो अंदर आ जाएगा। ये देखो ऐसे राउंड में अंदर आ जाएगी। देखो पूरा आपको लगा के मैं दिखाती हूँ। ऐसे पूरा लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये पूरा लग गया। अब हम इसे अंदर की ओर कर देंगे।
आप चाहे मशीन से भी लगा सकते हो, इसे भी उल्टा कर लेते हैं। अब हम यहां से स्टिचिंग भी कर देंगे। आप चाहे अंदर फोल्ड करके भी लगा दो, आप चाहो तो दूसरी तरफ भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके तो धागे तो निकलेंगे ही नहीं। आप चाहे तो मशीन से ही लगा सकते हो आराम से। पूरे राउंड में ऐसे ही इतना हमने छोड़ दिया ऊपर और इतना हमने लगा दी, ऐसे पूरे राउंड में। आपकी लग जाएगी। पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो पूरी बन गई हमारी, अंदर से ऐसी और बाहर से ऐसी डबल टोपी बन जाती है। बिल्कुल रेडीमेड की तरह बनी है। ये देखो अंदर से और ये बाहर से। आप भी जरूर ट्राई करना और जरूर बनाना और अपने कमेंट्स भर को शेयर करना। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।